हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं इस बात पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एनआर रीजन वालों के ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड है उसमें डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसकी मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर जाओगे और एग्री करके सबमिट करोगे और अपना रोल नंबर या फिर नेम यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे, जैसे आपने अपना नेम डाल दिया मान लो यहाँ पे, और इसके बाद में आपने फादर्स नेम डाल दिया, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अब देखो ये प्रॉब्लम आ रही है सबके साथ में। जिनका भी डीवी, जिनका उस लिस्ट में नाम है लेकिन उनका डीवी नहीं, उनकी डेट शो नहीं हो रही, उसका देखो मेन रीज़न ये है। वापस देखो मेन साइट पे जाते हैं और यहाँ देखो इनका ये जो मेन नोटिस है ये पढ़िए, आप इसको ओपन कीजिए। इस नोटिस को आप पढ़िए, इस नोटिस में देखो क्या लिख रखा है। इस नोटिस में ये लिख रखा है कि जो एनआर रीजन वालों का जो डीवी है, ये देखो एनआर रीजन का नोटिस है, एनआर रीजन का जो डीवी है उसकी डेट देखो इस तरह है। उसकी ये पहली बार तो एलिजिबल है जो 2018 में, वो उनका फेज मैनर में होगा, ये वाला देखिए लाइन पढ़ी, उनका फेज मैनर में होगा। दूसरी बात, कब से कब तक है पहले फेज का, पहले फेज का है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में। अब देखो जिनका नहीं निकल रहा एडमिट कार्ड, उनका रीजन यही है, उनका फेज नंबर फर्स्ट में नहीं है। फेज नंबर फर्स्ट कब से कब तक है, 5 से 10 तक है, लेकिन फेज नंबर टू की अभी इन्होंने डेट नहीं दी है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपका सेकेंड फेज में होगा या फिर थर्ड फेज, इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि भाई कितने फेज में होगा, लेकिन फर्स्ट फेज अभी स्टार्ट होने वाला 5 से 10 तारीख के बीच में, और नेक्स्ट पेज की भी डेट ये नोटिस निकाल के दे देंगे। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसका किसके पीछे क्या कारण है। तो निश्चिंत रहिए, आपका इस पेज में नहीं है तो अगले फेज में जरूर नंबर आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेशन में बताइए, और यदि आप पर्सनली बात भी करना चाहते हैं तो अपने वहाँ मोबाइल नंबर ऐड कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात भी करूँगा।